43.2 ग्राम प्रति सौ ग्राम में पाया जाता है, 43.2 ग्राम प्रति सौ ग्राम में पाया जाता है। तो लीजिए मूंगफली में देखेंगे तो मूंगफली में 25.3 प्रति सौ ग्राम में पाया जाता है। सेम में देखेंगे ब्रह्मपुत्र में तो 22.3 प्रति सौ ग्राम में पाया जाता है। ये जो मात्राएं दी गई हैं, वो प्रति सौ ग्राम में ही दी गई है, 100 ग्राम में ही इनकी प्राप्ति है कि कितना ग्राम जो है 100 ग्राम में पाया जाता है। और हम जंतु जगत में देखेंगे तो जंतु जगत में मांस हो गया आपका, मांस में 20 ग्राम प्रोटीन जो है पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में, 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। मछली में तीन प्रकार की मछलियां हैं, एक आपका है श्रिम्प फिश में जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 68.1, श्रिम्प में सबसे ज्यादा 68.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड मछली आती है सर्डाइन फिश जो होती है वो 21.1 ग्राम प्रोटीन हमें देती है प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम में ही। नेक्स्ट आपका इसमें रोहू मछली है, रोहू मछली 16.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन देता है। अंडा हम खाते हैं, अंडे में 13.3 यानी 13.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार दूध में भैंस का दूध अगर लेंगे तो भैंस के दूध में 4.3 तथा गाय के दूध में 3.1 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। पनीर में देखेंगे, पनीर में अगर हम पनीर खाते हैं तो उसमें 18.3 यानी 18.3 ग्राम प्रोटीन जो है प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। सोए में 14.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसमें हम देखेंगे वनस्पति जगत की जो प्रोटीन है वो जंतु जगत से कम महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है, कम गुणकारी होती है, जबकि जंतु जगत की अधिक गुणकारी होती है, वो हमारे शरीर के अनुरूप है। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन निर्मित होता है वनस्पति के द्वारा, वैसे ही उनके शरीर में होता है, उसको जो हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अनुरूप वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन से एक व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में कितनी है। प्रोटीन की आवश्यकता प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता एक व्यक्ति को कितनी होती है इसको हम जानेंगे। तो एक प्रौढ़ावस्था व्यक्ति को यानी प्रौढ़ पुरुष को प्रौढ़ावस्था में चाहे महिला हो या पुरुष हो उसको उसकी बॉडी के अनुसार जितना उसका वजन होगा यानी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। जैसे पुरुष जो है वो 60 किलोग्राम का वजन है उसको 5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार महिला अगर है, महिला का वजन जो है 50 किलोग्राम है, समानता ही बताया जाता है ICMR के अनुसार ये दिया गया है कि मतलब सामान्यता वजन 60 पुरुष का 60 किलोग्राम और महिला का 50 किलोग्राम, जिसे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी और पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। महिला को भी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम
प्रति दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पुरुषों में तो विशेष परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन महिलाओं में विशेष अवस्था भी होती है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में प्रोटीन आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है। यदि महिला गर्भावस्था में है तो 50 किलोग्राम प्लस 15 से 18 ग्राम में अधिक प्रोटीन दी जाती है। 50 का 65 या 68 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। और यदि महिला जो है धात्री अवस्था में आती है, यानी धात्री अवस्था में, तो इस अवस्था में अगर जब तक बच्चा 6 महीने तक रहता है, यानी 0 से 6 माह तक बच्चा है, तो उसको जो है महिला को 50 ग्राम प्लस 25 ग्राम, यानी 50 में प्लस 25 देंगे, यानी 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चा 6 माह का है, जब तक 6 माह से बच्चा जब ऊपर होता है, 6 माह के बाद साल भर तक, तो बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता जो है, माँ को प्रोटीन की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। जिसमें हम 50 ग्राम प्लस 15 ग्राम प्रोटीन देते हैं। बच्चे की जो प्रोटीन आवश्यकता है वो बड़ों से अधिक होती है। हम देखेंगे सरसवावस्था में अगर बच्चा है, प्रसवावस्था में बच्चे को 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब बच्चा 6 माह का रहता है, यानी 0 से 6 माह तक 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, मतलब 1 किलो का बच्चा है, 1 किलो का बच्चा तो होता नहीं है, 3 किलो का बच्चा है तो उसको हम 2.05 को इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, करीब 7 से 8 ग्राम। और इसी प्रकार बच्चा जब 6 माह से बड़ा हो जाता है, 6 माह का है, 6 माह से साल भर का अगर हो गया, 6 माह से 1 वर्ष, तो बच्चे की दैनिक आवश्यकता जो होती है वो 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब ये बच्चा किशोरावस्था में जाता है, तो उसकी प्रोटीन आवश्यकता कुछ इस प्रकार होती है। किशोर बालक की प्रोटीन, किशोर बालक की प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है लगभग 70 ग्राम होती है, और किशोर बालिका की प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो लगभग 65 ग्राम। इस प्रकार हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वजन ज्यादा है तो प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होगी, वजन कम है तो प्रोटीन की आवश्यकता कम होगी। बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोटीन की आवश्यकता निर्भर करती है, ये ICMR के अनुसार बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि प्रोटीन से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं। पहला है क्वाथयोरकर और दूसरा है मरासमस। क्वाथयोरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, मुख्य इस रोग के होने का कारण मुख्य रूप से प्रोटीन ही है, जबकि मरासमस का प्रोटीन और ऊर्जा, मरासमस प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। क्वाथयोरकर रोग में देखा जाता है कि बच्चे का विकास जो है वो रुक जाता है,
बच्चे का विकास रुक जाता है, लेकिन देखने में हमको ये नहीं लगेगा कि बच्चे का विकास रुक गया है, क्योंकि जब हम बच्चे का वजन करते हैं तो जैसे उम्र है, उम्र के अनुसार बच्चे का वजन कम नहीं होता, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रोटीन की कमी बच्चे को है। क्यों वजन क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि इस अवस्था में पासवर्पर में प्रोटीन कमी होने के कारण एडिमा हो जाता है। एडिमा होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। पूरे शरीर में एडिमा होता है, लेकिन जो है वो जो हमको परिलक्षित होता है, दिखाई देता है लक्षण उसका, वो सबसे पहले में पैर में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में दिखाई देगा, पेट भी बच्चे का बड़ा हो जाएगा और इस प्रकार उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे बच्चे बच्चा जो है कमजोर होता जाएगा, उसके शरीर पे जो है चर्म रोग हो जाएंगे, प्रोटीन की वजह से चकट्टे पड़ जाएंगे और पाचन सही से नहीं होगा, ये तमाम लक्षण हमको देखने को इसमें मिलेंगे। जबकि मरासमस में जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, इसमें जो है बच्चे का वजन जितनी आयु है उससे कम दिखाई देती है, क्योंकि बच्चा, इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, इसको हम सूखा रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चे का विकास रुक जाता है, लेकिन बच्चा दिखाई देता है कि बच्चे का विकास रुक गया है, बच्चा सूख जाता है, वजन आयु के अनुसार उसकी कम हो जाती है, वृद्धि विकास रुक जाता है और डायरिया हो जाती है, बच्चे का पेट जो है हमेशा सही नहीं रहता है, ये तमाम समस्याएं आपको उसमें देखने को मिलती है। तो मरासमस को हम सूखा रोग भी कहते हैं, ये परिलक्षित होता है कि वृद्धि विकास का नहीं हो रहा है, ये अधिकांश का परिलक्षित देर से होता है, एडिमा होने के कारण वजन उसका बच्चे का अधिक होता है, तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे का विकास रुक गया है या बच्चे का विकास हो रहा है। इस प्रकार प्रोटीन के बारे में हम, प्रोटीन की आवश्यकता, कार्य प्रोटीन क्या है, सब कुछ पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम और किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।